दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। बात करेंगे सुपरस्टार राजकुमार और श्रद्धा कपूर की स्त्री टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों आज स्त्री टू को पूरे भारत में रिलीज हुए 6 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं, 7वां दिन स्टार्ट हो चुका। बात करेंगे स्त्री टू ने डे 4 को संडे को कितनी कमाई की, डे 4 को मंडे को कितना कलेक्शन किया था, डे 6 को इस फिल्म ने कितनी कमाई करके डे 7 की एडवांस बुकिंग कितनी। दोस्तों स्त्री टू डे 7 को इंडियन बॉक्स पर कितनी कमाई करने में सफल हो पाएगी। दोस्तों अब तक इस फिल्म ने किन किन मूवीज़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, कौन कौन से रिकॉर्ड टूटने, बाकी फिल्म को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। दोस्तों ये फिल्म लाइफ टाइम इंडियन बॉक्स पर कितनी कमाई करेगी, हिंदी बेल्ट में कितनी कमाई करेगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आप लोग इस वीडियो के साथ बनी रहेगा। वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी विनती है, अगर आप लोग श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की डायन फैंस, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर तक देखेगा। दोस्तों स्त्री टू का बजट है केवल 80 करोड़ का, जिसने अपने पहले दिन तूफानी कमाई करके सबको चौंका कर रख दिया था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आज भी इस फिल्म को सिनेमा हॉल में आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिल रहा है। इस दोस्तों स्त्री की वजह से जॉन अब्राहम की विदा और अक्षय कुमार की खेल खेल मूवी बॉक्स पर बुरी तरह स्ट्रगल कर रही है। उन दोनों मूवीज को बॉक्स पर पक्का हिट बनने का टैग मिलना था अगर वो दोनों मूवी स्त्री टू के साथ क्लैश ना करती, लेकिन दोस्तों स्त्री टू बॉक्स पर इतना धमाकेदार कमाई कर रही है वर्किंग डेज के ऊपर ही। और दोस्तों स्त्री टू की वजह से खेल खेल और विदा दोनों मूवीज का कलेक्शन इतना गिर गया जो किसी ने सोचा नहीं था। सुपरस्टार श्रद्धा कपूर की स्त्री टू ने 5 दिनों के अंदर इंडियन बॉक्स पे 242 करोड़ की कमाई कर डाली। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 5 दिनों के अंदर 282 करोड़ की कमाई की थी। पठान ने 271 करोड़ की कमाई की थी। एनिमल मूवी ने 5 दिनों के अंदर 250 करोड़ का कलेक्शन किया था। स्त्री टू ने 5 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 242 करोड़ की कमाई करके गदर टू का 5 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 228 करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और केजीएफ टू का 5 दिनों के अंदर 219 करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब दोस्तों गदर टू ने लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में 528 करोड़ की कमाई की, केजीएफ टू ने लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में 435 करोड़ की कमाई की थी। अब दोस्तों स्त्री टू 5 दिन के बॉक्स कलेक्शन में गदर टू और केजीएफ टू को बीट कर रही है। तो दोस्तों ये बात कन्फर्म है कि श्रद्धा कपूर की स्त्री टू 2024 की पहली फिल्म होगी जो हिंदी बेल्ट में 400 करोड़ का भी क्लब इन्वेंट करेगी और 500 करोड़ का क्लब भी इन्वेंट करेगी। मे भी दोस्तों स्त्री टू लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में 550 करोड़ की कमाई करके जवान और पठान का लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में कमाई करने का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। मे भी दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म जवान ने लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में 543 करोड़ की कमाई की थी। पठान ने 525 करोड़ की कमाई की थी। एनिमल मूवी ने 520 करोड़ का धंधा किया था। दोस्तों श्रद्धा कपूर का हिस्टोरिकल कमबैक जो है ये सबको चौंका और परेशान कर देने वाला, किसी ने सोचा नहीं था ये फिल्म बॉक्स पर इतना बड़ा तूफान लेके आएगी। दोस्तों स्त्री टू ने लाइफ टाइम बॉक्स पर जितने भी कमाई करेगी वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, लेकिन दोस्तों स्त्री टू ने केवल 5 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 242 करोड़ की कमाई करके शाहरुख खान की डंकी का लाइफ टाइम इंडियन बॉक्स पे 230 करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऋतिक सर की फिल्म फाइटर का 216 करोड़ का लाइफ टाइम इंडियन बॉक्स पे कमाई करने का रिकॉर्ड स्त्री टू ने तोड़ दिया है। अब बात कर लेते फिल्म के डे बाय डे कलेक्शन के बारे में, बस आप लोग इस वीडियो के साथ बनी रहेगा। दोस्तों स्त्री टू का बजट 80 करोड़ का, जिसको 15 अगस्त वाले दिन इंडियन बॉक्स पर पूरे 3,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया गया। दोस्तों स्त्री टू को 14 अगस्त को शाम 9 बजे प्रीमियर शोज भी चले थे, जिससे 9 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई हुई थी। 14 अगस्त को इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 11 करोड़ का धंधा हुआ था। अपने पहले दिन 15 अगस्त को स्त्री टू ने पूरे भारत में 55 करोड़ 40 लाख रुपए की ओपनिंग लेके बॉलीवुड बॉक्स पर पूरे 75 करोड़ 50 लाख रुपए का हिस्टोरिकल धंधा किया था। डे टू को हिंदी बेल्ट में 34 करोड़ की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पर 48 करोड़ की कमाई की। डे थ्री को सैटरडे को हिंदी बेल्ट में 46 करोड़ की कमाई करके बॉलीवुड बॉक्स पर स्त्री टू ने 68 करोड़ का धंधा किया। डे फोर को संडे को हिंदी बेल्ट में 60 करोड़ की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पे स्त्री टू ने 80 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों इस फिल्म का पहला वीकेंड 4 दिन का था। स्त्री टू ने पहले 4 दिन के वीकेंड के ऊपर हिंदी बेल्ट में 204 करोड़ की कमाई करके इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 240 करोड़ की कमाई की। ओवर स्मैक में 43 करोड़ का धंधा करके 204 दिनों के अंदर इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स पर 283 करोड़ का धंधा कर लिया था। डे 5 को वर्किंग डेज के ऊपर इस फिल्म के कलेक्शन को लंबा ड्रापडाउन देखने को नहीं मिला। डे 5 को स्त्री टू ने हिंदी बेल्ट में 39 करोड़ की कमाई की, इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 48 करोड़ का धंधा किया, ओवर्स मार्केट में 8 करोड़ की कमाई करके डे 5 को इस फिल्म ने दोस्तों बॉलीवुड बॉक्स पे 56 करोड़ की कमाई की। डे 6 को यानी स्त्री टू ने हिंदी बेल्ट में 28 करोड़ की कमाई की है, इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 36 करोड़ का धंधा किया, ओवर्स मार्केट में 6 करोड़ की कमाई करके डे 6 को स्त्री टू ने दुनिया भर के बॉक्स पे एक बार फिर से हिस्टोरिकल कमाई करने के साथ 42 करोड़ के आंकड़े को टच किया। दोस्तों स्त्री टू डे 7 को हिंदी बेल्ट में पूरे 24 करोड़ की कमाई करेगी, इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 30 करोड़ का धंधा करेगी, ओवर्स मार्केट में 5 करोड़ की कमाई करके स्त्री टू डे 7 को पूरी दुनिया भर के बॉक्स पे 35 करोड़ की कमाई करने में सफल हो पाएगी।
दोस्तों ये थी स्त्री टू की पहले दिन से लेकर 6 दिन की फाइनल इंडियन और वर्ल्ड बॉक्स कलेक्शन रिपोर्ट, जबकि डे 7 की बॉक्स कलेक्शन प्रोडक्शन रिपोर्ट है। डे 6 की पूरे भारत में एडवांस बुकिंग 10 करोड़ की, जबकि डे 7 की पूरे भारत में एडवांस बुकिंग 8 करोड़ की हुई है। 2,90,000 टिकट बिक पाए। दोस्तों एडवांस बुकिंग से पता चल जाता है कौन सी फिल्म जो है कितने दिन कितना धंधा करेगी। डे 7 को 24 करोड़ की कमाई करके वर्ल्ड बॉक्स पे 25-35 करोड़ का धंधा करेगी। अब दोस्तों बात कर ले इस फिल्म के 7 दिन के टोटल धंधे के बारे में। श्रद्धापुर की स्त्री टू ने पहले 7 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 296 करोड़ की कमाई कर ली है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 355 करोड़ का धंधा कर लिया है। 7 दिनों के अंदर ओवरसीज मार्केट में 63 करोड़ की कमाई करके श्रद्धापुर की स्त्री टू ने 7 दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पे 418 करोड़ की कमाई करके अपना 80 करोड़ का बजट निकालने के बाद दोस्तों पूरे जो है 132 करोड़ की प्रॉफिट में कमाई करके सबको परेशान करके रख दिया है। 332 करोड़ की प्रॉफिट में कलेक्शन केवल 7 दिनों के अंदर ये फिल्म करने के बाद ब्लॉकबस्टर बनने का टैग लगवा चुकी। जी हाँ दोस्तों, स्त्री टू ने हिंदी बेल्ट में 300 करोड़ का नंबर क्रॉस करके ब्लॉकबस्टर बनने का टैग लगवा लिया है। मे भी दोस्तों केवल श्रद्धापुर की स्त्री टू केवल 10 दिनों के अंदर ऑल टीम ब्लॉकबस्टर बनने का टैग लगवा लेगी। दोस्तों बॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में पक्का 500 से लेकर 550 करोड़ की कमाई करेगी। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 650 करोड़ से लेकर 680 करोड़ तक भी जा सकता है। और दोस्तों इस फिल्म का लाइफ टाइम जो ओवरस मार्केट कलेक्शन होगा वो भी 80 से 90 करोड़ के करीब रहेगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों श्रद्धापुर की स्त्री टू लाइफ टाइम में वर्ल्ड बॉक्स पे 700 से लेकर 750 करोड़ की कमाई करके गदर 2 का लाइफ टाइम 690 करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी और भी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था ये फिल्म इतना शानदार कमबैक करेगी। दोस्तों ऋतिक रोशन की नेक्स्ट फिल्म क्रिश 4 के अंदर आपको श्रद्धापुर देखने को मिल सकती है, यानी स्त्री 2 को बॉक्स पे सक्सेस और ब्लॉकबस्टर बनने के बाद श्रद्धापुर के आगे पीछे बड़ी बड़ी मूवीज़ की लाइनें लग चुकी हैं। भाई इस फिल्म के अंदर शानदार हमको परफॉर्मेंस देखने को मिली तो वह श्रद्धापुर की। राजकुमार राव ने बहुत अच्छा काम किया। वरुण धवन का कैमियो एज अ वीडियो आउटस्टैंडिंग। अक्षय कुमार ने फिल्म की पूरी जान मुट्ठी में कर ली थी। भाई इस फिल्म को पब्लिक इतना प्यार दे रही है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों आज भी सिनेमा हॉल के बाहर लाइनें लगी हुई, पब्लिक लाइनों में लग सटिक लेट गए। थिएटर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। बॉक्सेस पे लगातार सुनामी हमको देखने को मिली। स्त्री टू ने बॉक्स पे कब्जा कर लिया है। दोस्तों बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार की बड़े बड़े बजट की बड़ी बड़ी एक्शन मूवी दोस्तों एक हॉरर कॉमेडी फिल्म के पीछे फीकी पड़ चुकी हैं। दोस्तों स्त्री टू ने सोचा भी नहीं था इतना धंधा ये फिल्म सपने भी ले पाएगी। दोस्तों प्रोड्यूसर मेकर को इतना रुपया दे दिया कि भर भर के जिंदगी जियो। इतना रुपया स्त्री टू दे रही है इस फिल्म के, इतने 600-700 करोड़ के रुपये के अंदर 2 से 3 बड़ी बड़ी एक्शन फिल्म भी बन सकती हैं। फिल्म ने बहुत ही प्रॉफिट दिया है, बहुत ही प्रॉफिट दिया है। इस फिल्म की जितनी तारीफ कर लो कम है। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी 100% रियल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू सून।